Welcome my channel, it's follow me and it's my Instagram account, please go follow it. Okay, बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे तो वीडियो बनाने का समय नहीं मिल रहा था. तो एग्जाम अब ख़त्म हुआ, अब से हर हफ्ते एक वीडियो आएगा ज़रूर, प्रॉमिस. मतलब समय नहीं हो रहा था, एग्ज़ाम का इतना प्रेशर्स था और तो समय नहीं मिला. तो आज मैंने जामिनी पेंटिंग ट्राई की है, तो मैं इसमें पास होती हूँ या फेल होती हूँ यही वीडियो है. एंड सबसे बड़ी बात, आपको अगर मेरी चैनल की ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब की है तो थैंक यू. अगर नहीं सब्सक्राइब की है तो जाइए और सब्सक्राइब करिए और पास की बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए. तो आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगा ये वीडियो, एंड अगर लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मेरे सब्सक्राइबर एकदम ही कम है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं जामिनी पेंटिंग ट्रेडिशनल पेंटिंग तो करी रही हूँ, उसके बाद मैं सोच रही कुछ इंटरेस्टिंग करने वाली हूँ, क्राफ्ट्स को लेके या आर्ट्स को लेके. बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. सो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, मैंने तो बहुत मज़े से किया है तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा आशा करते हैं हम. तो देर ना करके वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पहले मैंने ड्राइंग का आउटलाइन बना लिया था, अब मैं उसे अच्छे से कर रही हूँ. आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप येलो कार्बन पेपर की मदद से भी इसका जो मतलब वो होता है ना कार्बन कॉपी, वो भी आप कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आउटलाइन कर लीजिएगा आप जिस लोगों को. मैं भी ड्राइंग में इतना भी अच्छा नहीं हूँ, बट आई हैव सम ट्राई से ही लोग थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, तो ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं सिर्फ ट्राई कर रही हूँ. आफ्टर कंप्लीट द आउटलाइन मैं कलर करना स्टार्ट करूँगी. यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन एंड पीच कलर की मिक्स स्किन कलर के लिए. कलर जो भी यूज़ कर रही हूँ उसकी मिक्सचर मैं नीचे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसकी मिक्सचर का कलर मैं वहाँ पे मेंशन कर रही हूँ. यहाँ पे यूज़ किया गया सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, आप जाके ऑनलाइन भी वहाँ पे देख सकते हैं. मैंने यहाँ पे मार्केट लोकल मार्केट से भी कुछ चीज़ें खरीदी थी, फिर भी मैं आपको ऑनलाइन की सब कुछ की लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं. यहाँ पे साड़ी की जो पार है उसको कलर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ येलो एंड वाइट का मिक्सचर, और अंदर जो फूल है ना मतलब साड़ी के अंदर, वो भी सेम कलर ही यूज़ हो रही है. एंड जो साड़ी है, साड़ी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्योर रेड कलर. साड़ी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे प्योर रेड कलर. Oh, 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 oh
उस पुजारिनी के हाथ में जो पकवान है उसके लिए जो कलर था बुक में तो ब्लू कलर, और जिस थाले में वो ले रहे हैं उसके लिए मैंने यूज़ किए हैं थोड़ा डीप ग्रीन टाइप्स कलर, और बालों के लिए मैंने ब्लैक और एश कलर की मिक्सचर, एश कलर एज वेल एज ब्लैक एंड वाइट की मिक्सचर एंड ब्लैक कलर दोनों की मिक्सचर में जो कलर आते हैं वो कलर मैंने यूज़ किया। मतलब ब्लैक भी नहीं है, मतलब पूरी तरह से कार्बन ब्लैक नहीं है, हल्का सा ब्लैक यूज़ किया है। और बालों के लिए मैंने वो कार्बन वाला जो ब्लैक आती है बालों के लिए और आँखों की जो लेंस है उसके लिए मैंने कार्बन ब्लैक यूज़ किया, और साइड बाई साइड जो भी आउटलाइन है उसके लिए भी मैंने ब्लैक कलर यूज़ की है। जामिनी पुजारिनी जी की पेंटिंग है, तो ऑलमोस्ट पेंटिंग ख़त्म होने वाली है और मिनी डिटेलिंग बाकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास की बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली वीडियो स्टॉप्ड हो जाने के कारण मैं बैकग्राउंड में ग्रीन कलर और पेंटिंग सूखने बाद उसके ऊपर वार्निश यूज़ कर रही हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।